हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाइफ एट टीचिंग में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि सर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाई जाए, और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर मैसेज आए। लगभग 250 से ज़्यादा मैसेज आए, लेकिन मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन लोगों ने ज़्यादातर यही कहा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बताइए, तो आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का, कि इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगी और किसके कितने नंबर बढ़ेंगे और किसके कितने नंबर कम होंगे और किसके कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर कितना बढ़ सकता है। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जिसके नंबर अगर कम आए, यानी कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और हौसला मत हारिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा ग्रुप डी में ऐसा होता है कि इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। मतलब जिसके नंबर अगर कम आए हैं पर पेपर शिफ्ट हार्ड है, जैसे कि आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में प्रोसेस क्या होती है अगर आपके नंबर कम आए। ठीक है फ्रेंड, देखिए अगर आपके नंबर में मतलब पेपर जब आया है वो शिफ्ट हार्ड थी, तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे, यानी आपके नंबर कम आ रहे हैं, नंबर उसी कम आएंगे जिसके पेपर हार्ड था, ऑब्वियसली बात है। देखिए उस शब्द के, लेकिन एक नोट है कि सभी के कैंडिडेट के नंबर कम होने चाहिए, यानी अगर आपके नंबर 30-40 लगभग आ रहे हैं, तो सभी जो शिफ्ट में जो कैंडिडेट थे उनके भी इतने ही नंबर आने चाहिए, लगभग सभी के इतने नंबर आने चाहिए, तब आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि 30 नंबर वाला बंदा 50 भी हो सकता है और 60 नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपको नॉर्मलाइजेशन में सबके बराबर ही रखा जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, सबके साथ बराबर पर ही रखा जाएगा, यानी सबका मतलब बराबर कर दिया जाएगा, यही नॉर्मलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है। और देखिए जिसका पेपर शिफ्ट में सभी के ज़्यादा नंबर आए, यानी कि मतलब देखिए बात कर लेते हैं कि इसके नंबर कम कर दिए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसके ज़्यादा नंबर आने तो वो ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि जिसके नंबर ज़्यादा है ऑब्वियसली बात है कि उसका पेपर जो है वो सरल आया होगा। ठीक है, सरल आया इसलिए उसका पेपर में नंबर ज़्यादा आया होगा। देखिए जिसका पेपर शिफ्ट में सभी के ज़्यादा नंबर आए हैं तो नंबर कम कर दिया जाएगा, यानी कि जिसके नंबर ज़्यादा आए हैं, जैसे किसी के लगभग आए हैं 70 नंबर 80 नंबर, लेकिन कैंडिडेट मुझे कोई दिखे तो नहीं, 60-70 के लगभग दिखे हैं, लेकिन बहुत ही कम दिखे हैं, तो यानी उनके अगर आए हैं 70 नंबर तो उसके 45 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जिसके 65 से 70 के नंबर आए हैं उसके 40-45 भी हो सकता है, या 50 तक की भी हो सकता है, यानी सबको बराबर लेके ही चलेगा ग्रुप डी में, यानी रेलवे का यही सिस्टम है नॉर्मलाइजेशन का कि सबको बराबर लेके ही चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कितने नंबर तक लोगों के नंबर बढ़ सकते हैं और कितने नंबर कम भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं RRB लोको पायलट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 25 नंबर तक के लोगों के बढ़े थे, यानी जितने 25 नंबर तक लोगों के नंबर भी बढ़ गए थे और 30 नंबर तक भी बढ़ गए थे। मेरे खुद का एक दोस्त था, उसके भी 25 नंबर बढ़ा था फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता सकता हूँ 25 नंबर तक भी लोगों के नंबर बढ़े हैं और उसका सिलेक्शन भी हो गया था। यानी रेलवे सबके साथ न्याय करेगा, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करता, यानी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपके 30-35 नंबर भी आ रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, दूसरे एग्ज़ाम की और फिजिकल की भी तैयारी कीजिए, फिजिकल थोड़ी बहुत कर लीजिए, और ताकि अगर आपके 30-40 नंबर बन रहे हैं तो आप लोग फिजिकल थोड़ी बहुत कर लीजिए और साथ ही साथ दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, इसके भरोसे मत बैठे रहिए। इसमें कैंडिडेट बहुत लोग थे, तो एक मैं सलाह आपको यही देना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहिए दूसरे एग्ज़ाम की भी और साथ ही साथ फिजिकल की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। देखिए आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पिछली वीडियो थी उस पर लगभग 8000 व्यूज क्रॉस हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग मुझे अब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर सबका रिप्लाई नहीं कर पाता। इंस्टाग्राम पर आप लोग फ्रेंड्स मुझे फॉलो कर सकते हैं मुकू दुबे नाम से, मुकू_दुबे। ठीक है, तो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर देना, मैं आपको वहाँ पर अपडेट देता रहूँगा।